सर, सबसे पहले हमारा एक छोटा सा सवाल था कि मीडिया में आप लंबे समय से हैं और आपने मीडिया को तमाम रूपों में बदलते हुए देखा है, तो इन पिछले एक दशक की बात करें तो इन बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं? कौन से बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं मीडिया में? नहीं, मीडिया जैसे आप बाकी चीज़ों में बदलाव देख रहे हैं, जैसे समाज बदलता है तो सभी चीज़ बदलते हैं, फिल्में हो, मीडिया हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये सारे समाज को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। जब आपका समाज बदल रहा होता है तो आप उसको उसी तरीके से बदला हुआ देखते हैं। और इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जो राम मंदिर का निर्माण है। अभी जब हम लोगों ने 95 में शुरू किया था, तो 95 में राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद शब्द लिखने पे आपत्ति थी। माने उस समय उसका एक एक वर्ड को मॉनिटर कर किया जाता था कि ये लिखना है कि नहीं, ये बोलना है कि नहीं, उस शब्द पे आपत्ति थी। और वो होते होते आज मैंने जब 2024 में बैठा हूँ, तब लोग यहाँ पे जय श्री राम के नारे मीडिया के लोग लगा रहे थे, जय श्री राम लिख के गाड़ी में घूम रहे थे। तो वो आप देख सकते हैं कि समाज कितना बदल चुका है और व्यवस्था कितनी बदल चुकी है। तो वो धीरे धीरे बदलाव सभी जगह देखने को मिलता है। जी, बदलाव हो रहा है उसी तरह से जैसे आपने बताया, डिजिटल अब आ गया है। अब डिजिटल की बात करते हैं, चूँकि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल आजकल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में टीवी चैनल्स को आपकी नज़र में प्रासंगिक खुद को बनाए रखने के लिए और दर्शकों से जुड़े रहने के लिए किस तरह के स्ट्रेटजी पर काम करने की जरूरत है? नहीं, काम देखिए, कोई भी व्यवस्था हो उसमें सबसे जरूरी है कि हम लोग क्यों हैं, चाहे वो अखबार हो या टीवी हो या डिजिटल हो, कुछ करना चाहते हो, सबका बेसिक पर्पस होता है न्यूज। और न्यूज का जो पूरा अध्याय है, न्यूज की जो शुरुआत होती है, वो किसी भी समय क्रेडिबिलिटी से होती है। विश्वसनीयता उसके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए एक भरोसा होना चाहिए। लोगों को भरोसा जिस पे आएगा तो वो भरोसा जो डिलीवर कर पाएगा वो सक्सेस, मैंने इस सिस्टम में सक्सेसफुल होगा, चाहे वो किसी भी माध्यम में हो। तो चाहे आप वो किसी अखबार की बात कर लें, जो लोग पढ़ते आ रहे थे वो अभी भी पढ़ते हैं, जिनको आज तक देखने की आदत है वो अभी भी आज तक देखते हैं, जिनको डिजिटल में कोई लोग इंडिविजुअल पसंद है या कुछ पसंद है वो उसको उसमें वहाँ जाकर देखते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको सभी चीज़ों में एक बदलाव की ज़रूरत है। आप यदि स्थिर रहेंगे, मैं आपको बताऊं, जो आज तक का जो सक्सेस है, आज तक क्या है, समय के साथ अपने आप को बदलता रहा है। तो ये आपको ज़रूरी है कि आपको समय के साथ बदलते रहना पड़ता है, चाहे किसी भी मीडियम में रहें, लेकिन उस मीडियम को समय के साथ बदलते रहना पड़ेगा। मुझे याद है, यहाँ पे आलोक जी बैठे हैं, उनका आइडिया होगा, जब अखबारों में शुरुआत भी थी तो कलर फोटो छापने को लेकर भी काफ़ी विवाद था। ब्लैक एंड वाइट शुरू हुआ था, कलर फोटो फर्स्ट पेज पर छपेगा, अंदर नहीं छपेगा, वहाँ से दौर। लेकिन जो जिन लोगों ने उस बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट किया, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। उसी तरह टेलीविज़न में जब हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ था, उसको जब पहली हेडलाइन बना दी तो लोगों ने उस पर सवाल खड़े किए कि ये पहली हेडलाइन नहीं हो सकती, क्रिकेट कैसे पहली हेडलाइन हो सकती है, लेकिन हमने बनाया उसको। तो वो जब बदलाव चेंज किया, जो आप जब समय के साथ चेंज करते रहते हैं तो वो आप सस्टेन कर जाते हैं किसी भी माध्यम में हो। लेकिन जब आप अपने आप को एक रिजिड रखेंगे, आप वही सोचते रहेंगे कि नहीं, रोटी सब्जी ही खाना है, पिज्ज़ा खाना नहीं है, तो आप गलतफहमी में हैं। अब जब समाज में लोग पिज्जा भी खा रहे हैं, छोले भटूरे भी खा रहे हैं, तो आपको उसको मानना पड़ेगा कि हाँ, ये भी खाना है। आप सोचते रहेंगे नहीं, रोटी सब्जी खा के जीवन गुजर जाए, तो ये नहीं होने वाला है। आपके बच्चे ही आपके साथ खाने से मना कर देंगे। अभी सर, जैसे आपने क्रेडिबिलिटी की बात कही है, हर आदमी चाहता है कि उसको क्रेडिबल जानकारी मिले, विश्वसनीय सूचनाएं मिले, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक संस्थान कोई उसी सूचना को दूसरे तरीके से दिखा रहा है, दूसरा उसी को दूसरे से दिखा रहा है, तो ऐसे में दर्शक असमंजस में रहता है, यार किस चैनल पर भरोसा करें, उस चैनल पर तो फलाना उस तरह से दिखा रहे थे, इस पर इस तरह से दिखा रहे थे। नहीं, यही यही चीज़ होती है ना भरोसे की, वही मैं बात कर रहा था। ये जो लोग सोचते हैं, कई बार क्या होता है, छोटे गोल के लिए, छोटे छोटे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने छोटे से काम के लिए गलत खबर चला लेते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो इस बात को नहीं सोचते हैं कि हमें लंबे माने लॉन्ग रन में इसका नुकसान होगा। और ये काम इसीलिए जो आज तक आज सक्सेसफुल है, उसका उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसने ये छोटे छोटे माने हरकत नहीं की, जो छोटी छोटी कामयाबी के लिए, छोटे सक्सेस के लिए करते हैं कि चलो थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ जाएगा, अभी थोड़ी सी TRP बढ़ जाएगी, अभी ये ऐसे चला दो, थोड़ी देर गलत चला दो। हम लोग बार बार इसीलिए खबरों को बार बार फिल्टर करते देखते हैं। इसीलिए जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो 25 लाख लोग आज तक देख रहे थे, बाकी लोग दूर दूर तक कहीं नहीं थे, क्योंकि लोगों को क्रेडिबल न्यूज़ चाहिए था, तो क्रेडिबल देखने आते हैं। इसीलिए वो बाकी चैनल सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि वो कई बार छोटी चीज़ों के लिए गलत खबर चला के, गलत हथकंडे चला के वो चाहते हैं सक्सेस का रास्ता ढूंढना। वो रास्ता गलत रास्ता है। मैंने किसी के लाइफ में भी, यदि आप लाइफ में यदि आप
छोटी माने जल्दी कामयाबी के लिए कुछ गलत तरीका अपनाना चाहते हैं या गलत रास्ते से जाना चाहते हैं तो वो आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनने देगा। आपको हमेशा लंबी रेस का माने घोड़ा होना चाहिए, आपको लंबे प्लान करने चाहिए, आपको अपने गोल सेट करके उसके लक्ष्य पे सही तरीके से बढ़ना चाहिए। गलत रास्ते से बढ़ा हुआ चाहे खबर दिखा के हो या कुछ भी दिखा के हो, गलत रास्ता अपनाया जब भी जाता है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अभी सर आपने जो एक बात कही थी कि लोग अल्टीमेट न्यूज़ देखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि आजकल टीवी चैनल्स पर न्यूज़ की जगह व्यूज़ ने ले ली है। तमाम चैनल्स पर इस तरह के आरोप लगते हैं कि वहाँ व्यूज़ दिखाए जाते हैं, न्यूज़ की जगह कम है। मतलब नहीं, देखिए हमारे यहाँ तो 7 से 12 बजे तक न्यूज़ ही चलता है। हमारे यहाँ कोई डिबेट नहीं होता है शाम में, 2 डिबेट 5 और 6 बजे होता है, उसके बाद डिबेट नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि व्यूज़ भी लोगों की पसंद है, लोग वो भी जानना चाहते हैं। व्यूज़ भी लोगों को आजकल ये अच्छा लगता है कि माने दो तरह के लोग, एक किसी विचार पे हमें दो पक्ष मिल रहा है सुनने को, तो इसलिए वो व्यूज या डिबेट उससे कोई माने कोई वो गलत नहीं है। यदि न्यूज़ पे कोई व्यूज आ रहा है या हमें पता चल रहा है कि हाँ फलाना है, तो आदमी को नॉलेज बढ़ रहा है। आदमी यदि हर तरह का व्यूज ही सुन ले कि इसका इस पे इसका ये पक्ष में ये व्यूज है, खिलाफ में ये व्यूज है, या इसका ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ये है कि कोई ये बोल रहा है कोई ये बोल रहा है, तो आपको एक नॉलेज ही बढ़ता है, आपको पता चलता है कि अच्छा ठीक है। आप यदि दोनों पर्सपेक्टिव सुन पा रहे हैं, यदि आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव आ रहा है, चाहे व्यूज के रूप में आ रहा हो, डिबेट के रूप में आ रहा हो, या किसी भी रूप में आ रहा हो, उसमें कोई वो न्यूज़ का ही हिस्सा है, उसको आप अलग नहीं देख सकते हैं। एक प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। वही मैं बोल रहा हूँ कि क्लासिकल तरीके से आप अगर सोचें कि नहीं ठीक है हमें एंकर और पैकेज जो हमारा टिपिकल तरीका होता था वही न्यूज़ है, तो वो न्यूज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उसको आप उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में भी दे सकते हैं। अब उसको आदमी को जिसको देखना है, उसको पसंद करना तय करना है कि उसको डिबेट के रूप में वो अच्छा लगता है, उसको स्टोरी के रूप में अच्छा लगता है, या वो किस रूप में अच्छा लगता है। अच्छा सर, अभी क्या है कि जैसे टेक्नोलॉजी आती है तमाम चीज़ें और आगे बढ़ती चली जाती हैं। अब बात चल रही है टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने अपने यहाँ AI एंकर से न्यूज़ पढ़वाना और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं, चुनौती है या अवसर है, क्योंकि तमाम अभी ये बढ़ता ही जा रहा है। और दूसरा एक चीज़ है कि ये भी मान रहे हैं कि यार जितना AI बढ़ता जाएगा, AI एंकर आ जाएगा, तो बाकी सब के लिए नौकरियों पे संकट आ जाएगा, इस तरह की भी तमाम बातें चल रही हैं, तो इसको लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए ये तो कंप्यूटर जब आया था तभी से माना जा रहा था कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों की नौकरी चली जाएगी। तो ये कंप्यूटर और AI दोनों अपने अपने समय की खोज है। तो AI जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो होना ही चाहिए, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। लेकिन AI एंकर आने से किसी भी एंकर की नौकरी नहीं जा रही है। AI एंकर का एक लिमिटेड रोल है, जो लिमिटेड काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी नहीं कर सकते। और हम लोग उसको अच्छे पॉजिटिव रूप में उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। सबसे पहले आज तक ही AI एंकर को लेकर आया, और AI जो है वो किसी भी रूप में किसी भी एंकर के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब आप देखिए कि हमारे एक ही तरह के बुलेटिन के जो है हम 7-8 लैंग्वेज में एक साथ भेजते हैं। अब आप हमारे ब्लैक एंड वाइट को 7-8 लैंग्वेज में देख सुन सकते हैं। आप जो लोग साउथ के लोग जो ब्लैक एंड वाइट हिंदी में नहीं सुन सकते थे, उनको हम उनकी भाषा में भी पहुंचा रहे हैं ब्लैक एंड वाइट। तो AI का जो पॉजिटिव इस्तेमाल है वो सोचना चाहिए, और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी से फ़ायदा तो है सिस्टम को। अच्छा, जब टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम ChatGPT जैसे, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म है, तो इससे पत्रकारिता किस तरह से प्रभावित हो रही है? लोग आते हैं बोले ठीक है जी, थोड़ा सा इनपुट लेके आए, डाला और वो इंटरनेट पर सर्च किया, उसी पे लिख दिया, बोले हो गई न्यूज़। तो किस तरह से पत्रकारिता को प्रभावित कर रहे हैं इस टाइप के प्लेटफॉर्म? देखिए वो तो मैं बोला ना कि अब कोई गलत तरीका जो है उसको आप सही नहीं बता सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता ना। अब कोई आदमी पॉकेट मारी करके पैसा कमा लेता है, इसका मतलब थोड़ा ना कि उसको बोलिए कि नहीं, वो तो पॉकेट काट लेता है, पैसा ले आता है, उसका हो जाता है। वो तो आदमी की फितरत होती है, जो आदमी गलत करता है वो गलत करता है, लेकिन जो मेहनत करके, जो अच्छे काम करके, जो अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं, माने वो सक्सेसफुल होते हैं, वो कामयाब होते हैं, और उनके लंबे से चलता है लंबे समय तक। अच्छा, एक और सर संकट जो अभी तक गहराया हुआ है कि फेक न्यूज़ का, अभी डीप फेक और आ गया कि इस तरह के वीडियो वगैरह बनने लगे हैं फेक न्यूज़। तमाम संस्थानों ने अपनी फैक्ट चेक यूनिट भी बना रखी है, PIB ने भी अपनी एक बना रखी है, लेकिन इसके बावजूद उस पर फेक न्यूज़ पे एक तो लगाम नहीं लग पा रही, और कई बार क्या होता है कि फैक्ट चेक यूनिट की उस पर भी आरोप लगते रहते हैं कि बोले यार फैक्ट चेक यूनिट ने खबर कोई अगर चेक की है तो उसी पर आरोप है कि यार ये तो गलत चेक हुई है, तो कैसे उसको हम सही करके मानेंगे आज के समय में? नहीं, फैक्ट चेक तो सही काम करता है, लेकिन फैक्ट को चेक भी तो करे कोई। एक्चुअली क्या है, लोग फैक्ट को मानना नहीं चाहते हैं, लोग अपने हिसाब से, जर्नलिस्ट अपनी बात को सही मानते हैं जो चेक नहीं करना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जो जानबूझ के गलत खबर चलाना चाहते हैं बिना फैक्ट के, वो चाहते हैं कि उनका वो प्रोपगंडा हो या जो फेक न्यूज़ है उसको प्रमोट किया जाए।
तो ऐसे लोग करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, इसलिए हमें उस बात की चिंता नहीं है। हम लोग पूरी तरह से ध्यान रख के खबर चलाते हैं। अच्छा, न्यूज़ चैनल्स पे आरोप लगते रहते हैं कि बोले यार डिबेट शो पे गर्मा गर्म बहस जानबूझ कर इसलिए किए जाते हैं और बाकी समाज के जो आम मुद्दे हैं वो थोड़े से पीछे खिसक जाते हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो कैसे इस पर क्या किया जाना चाहिए कि उस पर आम मुद्दों पर भी चर्चा की जाए, केवल वो टीआरपी और वो व्यूज वॉल देखने के लिए कि लगातार लोग देखे रहे, बहस होती रहे और लगातार नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये एक क्या है, कुछ लोग हैं जो इस तरह के माने बातें जो नहीं होता नेगेटिव, कुछ ना कुछ कमियां निकालना है सिस्टम में, इसे सिस्टम में कमियां निकालते हैं। ऐसी बातें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है कि आदमी, मैंने जैसे बोलते हैं जॉब्स के बारे में नहीं देते हैं, हम डेली दस्तक में जॉब्स की खबर दिखाते हैं। हमारे यहाँ डेली हमने स्लॉट किया हुआ है कि दस्तक में रोजगार की, रोजगार से जुड़े बेरोजगारी पे या किसी तरह का सवाल होता है तो हम उस पर उठाते हैं। हमने वहाँ पे एक कैंपेन भी चलाया लोगों के, उसमें समस्या हुआ, कोटा का मामला हुआ, कोटा पे इतना बड़ा हमने मुहिम चलाया, कोटा में जब सुसाइड बच्चे कर रहे थे। तो लोग क्या है ना कि देखिए, एक्चुअली 5 और 6 का डिबेट जो है वो चैनल का एजेंडा नहीं है। आप अगर पूरे चैनल के कंटेंट को देखेंगे तो खासतौर पर आज तक में आपको सब कुछ दिखाई देगा। हम लोग कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसी भी मुद्दे को किसी भी रूप में हम लोग नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाएंगे? यदि मैं बताया ना कि मीडिया जो है समाज का आईना है, अगर वो समाज में कुछ हो रहा है, कुछ लोग में परेशानी है या किसान आंदोलन हो या कुछ भी हो, जिसकी जो परेशानी है उसको हम यदि नहीं लाएंगे तो सरकार के नोटिस में कौन लाएगा? ये तो हमारा ही काम है सरकार के नोटिस में लाना। हमारे चैनल देख के कई बार असर होता है। अभी हमने यूपी की एक स्टोरी की थी, वहाँ लोगों का जो है इलेक्ट्रिक वायर बहुत नीचे से जा रहा था और हमने खबर दिखाई, उसके बाद अगले दिन वहाँ पे ये एक्शन हुआ और वो ठीक हो गया इतने दिनों का। हमने अभी जॉब्स की स्टोरी दिखाई, वहाँ पे परीक्षा को स्टोरी दिखाई थी यूपी की, अगले दिन वहाँ पे एग्जाम कैंसिल किया गया, योगी जी ने उनके मंत्री आके माने कि आज तक देख के मुझे ये पता चला और हमने ये कार्रवाई की। तो ये आप यदि करते रहते हैं काम तो उसको नोटिस भी करते हैं लोग और देखते भी हैं, इसलिए हम लोग तो सारी खबरें उस तरीके से दिखाते हैं। अच्छा, अभी हम जैसे टीआरपी की अभी बात करेंगे, टीआरपी की बात ही चल रही है तो तमाम चैनल टीआरपी के पीछे भागते हैं और इस पे आरोप प्रत्यारोप का दौर वो चलता रहता है, तो क्या आप भी टीआरपी में यकीन रखते हैं और इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं? देखिए, ये भी एक जो है ना नैरेटिव सेट करने और प्रोपेगेंडा का विषय है। लोग बोलते हैं ये टीआरपी के लिए कर रहा है, टीआरपी आदमी हर समय टीआरपी नहीं सोचता है और कोई भी न्यूज़ चैनल टीआरपी के बदौलत नहीं चल सकता है कि टीआरपी ही सब कुछ है या टीआरपी के लिए ही कर रहा है। किसी को ये पता तो होता नहीं है कि आप मान लीजिए आज किसान आंदोलन दिखा रहे हैं आप, ये कोई भी संपादक मैंने नहीं बता सकता कि उससे टीआरपी आएगी कि नहीं आएगी, या हम मोदी जी की सभा दिखा रहे हैं उससे टीआरपी आएगी या नहीं आएगी। आपको एडिटोरियल कॉल ही लेना पड़ता है। अब उसको क्या कहते हैं, लोग कह देते हैं कि टीआरपी के लिए आप ऐसा करते हो या टीआरपी के लिए वैसा करते हो। टीआरपी कोई ऐसा सिंपल ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई गुगली बॉल फेंक रहे हैं पीच पे बैठ के और वो टीआरपी हम बैठे बैठे जोड़ रहे हैं कि ये टीआरपी आ रही है, टीआरपी जा रही है, टीआरपी आ रही है, टीआरपी जा रही है। ऐसा कोई टीआरपी का मीटर नहीं हमारे पास लगा हुआ है कि हम टीआरपी के लिए ये कर रहे हैं या टीआरपी के लिए वो कर रहे हैं। ये एडिटर्स का चॉइस होता है, एडिटर्स की मर्जी है कि उसको जो खबर लगता है कि हाँ वो सही है, जो खबर वो बड़ा करना चाहता है, जो खबर छोटा करना। अभी मुख्तार अंसारी की मौत भी सभी चैनल ने दिखाया है, अब उसका मुझे नहीं मालूम है कि उसकी टीआरपी आएगी नहीं आएगी, उसको लोग देखा नहीं देखा, आप कैसे कह सकते हो? लेकिन खबर बड़ी खबर है तो आपको बड़ी खबर को बड़ी खबर की तरह दिखाना चाहिए। ये किसी को नहीं मालूम है कि उसकी टीआरपी कुछ आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए ये कहना बहुत ही गलत है कि टीआरपी के लिए लोग खबर दिखाते हैं। टीआरपी अच्छा, दूसरी बात है कि टीआरपी हाँ डेफिनेटली एक जब आपके सिस्टम में एक ये है पैमाना है कि हाँ उससे आपका तय होता है कि आपकी रैंकिंग तय होती है, आपको नंबर पता चलता है। ऐसे कोई विद्यार्थी एग्जाम देता है तो उसको वो तैयारी करता है फर्स्ट होने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अगर नंबर लाने की कोशिश करते हैं या आपको लगता है कि हाँ आप टॉप करना चाहिए, आप टॉप करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? वो तो अपना ध्यान रखना ही चाहिए कि हाँ पढ़ाई आप करते हैं। अब जो घुसखोर विद्यार्थी हैं वो हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं, अरे वो बहुत पढ़ते रहता है टॉप करना है उसको, अरे तो इसमें गलत क्या है टॉप करना है तो? अच्छा, ये तो ठीक है, बाकी अभी इलेक्शन का दौर है तो इलेक्शन को लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटजी है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर हमारी कोशिश हर इलेक्शन में होता है कि हम लोग कुछ नया करें और इस इलेक्शन में भी कुछ ना कुछ नया होगा ही। हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं और 24 का चुनाव हम लोगों के लिए बड़ा चुनाव है और हम लोग हर चुनाव में, मतलब आप देखे होंगे, ये आज तक की कोशिश होती है कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ नया हो, कुछ ना कुछ नया हो और हम लोग उसको नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार भी कुछ नया करेंगे, बड़ा करेंगे। अच्छा, पत्रकारिता में अभी क्या चुनौती मानते हैं आप, वर्तमान समय में क्या है पत्रकारिता के सामने, मीडिया के सामने किस तरह की चुनौतियाँ हैं? पत्रकारिता के सामने पत्रकार ही चुनौती हैं और कोई चुनौती नहीं है।
क्योंकि पत्रकारी क्या करेंगे वही पता नहीं है, पत्रकारी मैंने अपने आप में वही चुनौती है, और बाकी मुझे लगता नहीं कोई चुनौती है, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि पत्रकार पता नहीं किस डायरेक्शन में चले जाएंगे, वो पता नहीं है कि आपको वो क्या क्या कर डालेंगे, क्या ट्वीट कर देंगे, क्या किस लाइन पे चले जाएंगे, किसके पक्ष में आ जाएंगे, किसके खिलाफ में आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आता है कई बार। तो जो पत्रकारिता के लिए चुनौती है वो पत्रकार ही है, और कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, इंडिया टुडे समूह में बहुत सारे स्टार एंकर, स्टार रिपोर्टर हैं, और आप इतने बड़े पद पर हैं, तो कैसे इन सबको एक मैनेज कर पाते हैं? मतलब बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए, क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे कि इन सबको एक तरह से इतने बड़े बड़े स्टार एंकर रिपोर्टर्स को आप मैनेज करना? नहीं नहीं, मैनेज क्यों करना है, सभी लोग हमारे यहाँ टीम वर्क है, और सबका सबको अपना अपना काम पता है, क्लियरली डिफाइंड है सबका काम क्या है करना है, सभी अपना काम करते हैं, मिलजुल के करते हैं हम लोग काम, और उसमें हमारे यहाँ कोई इस तरह से नहीं सोचता है कि हम स्टार हैं या हम नहीं हैं, हम लोग सभी लोग काम करते हैं, सब टीम के साथ काम करते हैं, सब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और सब अच्छा काम करते हैं जी। जैसे पहले ट्रेडिशनल पत्रकारिता थी, आजकल क्या है, मोबाइल जर्नलिज्म, हर आदमी मोबाइल जिसके हाथ में है वही खुद को पत्रकार मान बैठा है, तो इस तरह की पत्रकारिता को आप क्या कहेंगे, जिसके हाथ में मोबाइल है वही फोटो खींचा, क्लिक किया, सोशल मीडिया पर डाला, मैं भी पत्रकार, मैं भी पत्रकार? नहीं, वो बताए इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का युग है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा लोगों को अच्छा ही लगता है, लेकिन मैंने जो न्यूज़ को, जो इस काम को समझेगा जो वही पत्रकार बन सकता है, ये नहीं है कि कोई ये जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी कार्य करता है कि मैं भी लिख दिया, मैं भी पत्रकार तो बन जाएंगे वो, लेकिन ये काम बहुत सीरियस काम है, और उसको उसी तरीके से जो इसका मोटिव है, जो इसका पर्पस है, उसी तरीके से उस काम को करना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप जैसे इतने बड़े ग्रुप में, इतने बड़े पद पर हैं, न्यूज़ रूम पर तमाम तरह के दबाव रहते हैं, खासकर इलेक्शन टाइम पे, तो क्या आप पर भी किसी तरह का दबाव आता है खबर रोकने, लगाने, चलाने, और अगर आता है तो कैसे मैनेज करते हैं इस तरह के दबावों से, आप किस तरह निपटते हैं? देखिए, नहीं कभी कोई सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, किसी व्यवस्था में कभी भी सरकार या आपको दबाव उतना ही देता है, मैंने बताया दबाव पत्र, मैंने उस तरह का कोई दबाव नहीं है, लेकिन देखिए क्या है कि सभी लोगों का रिक्वेस्ट होता है जब इलेक्शन टाइम होगा तो भाई मेरी भी रैली दिखा दो, कोई बोलेगा मेरी भी रैली दिखा दो, कोई बोलेगा मेरी भी रैली दिखा दो, तो वो एक दबाव तो आपको देख झेलना ही पड़ता है, और उसको आपको हैंडल करने आना चाहिए, जब आप सिस्टम में काम करते हो तो आपका पार्ट ऑफ दी वर्क है वो, तो अब इस सिस्टम में सभी लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन एज सच हमारे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि इसको हटा दो, इसको लगा दो, या इसको चला दो, इसको नहीं चला दो, हम लोग सभी तरह खबर चलाते हैं, और निर्भीक होकर चलाते हैं, बेखौफ होकर चलाते हैं, और हम पे कोई दबाव, उस तरह का दबाव नहीं है कि हम उसको बोलेंगे नहीं दबाव है हमारे ऊपर, ये नहीं चला सकते, वो नहीं चला सकते, आप देखते भी होंगे हम लोग सरकार के पक्ष में भी चलाते हैं, सरकार के खिलाफ भी चलाते हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा ये नहीं है कि हम ये चलाएं और ये नहीं चलाएं। अच्छा, मीडिया में आपने एक लंबा सफर तय किया है और आज इस बड़े पद तक पहुंचे हैं, तो आप इतने समय में किस चीज़ को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं कि ये मेरे इतने अब तक के सफर में ये मेरी सबसे बड़ी एसेट है, ये मेरी पूंजी है अपनी? देखिए, मैं क्या कोई भी आदमी के लिए, किसी के लिए भी मैंने बोला कि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है, मेहनत करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, कोई मैंने कभी जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाया किसी भी काम के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए या पद के लिए या कुछ काम करने के लिए, मैं एक स्ट्रिंगर था और स्ट्रिंगर से यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है तो सिर्फ अपनी मेहनत के बल पर किया है, अभी भी मैं उसी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, और मैं अपने साथियों को भी यही कहता हूँ कि ये काम जो है ये कोई बैंक का या सरकारी काम नहीं है कि आप एक 9 से 6 की ड्यूटी कर रहे होंगे, तो हम लोग 24/7 365 दिन उसी लगन और मेहनत से काम करते हैं, और उसी मेहनत और लगन के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और बाकी लोग भी मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा था कि मीडिया में जो नए पत्रकार आ रहे हैं या युवा पत्रकार अभी जो काम कर रहे हैं, उन्हें कोई सफलता का एक मूल मंत्र है यदि आप देना चाहें कि ये सफलता का मूल मंत्र यही है कि आपको अलग से काम करना ही पड़ेगा, आप यदि सोचेंगे कि ये जब तक कि आप ये सोचते रहेंगे कि नहीं हमारी इतना ही काम है, इतना ही 2 घंटा ड्यूटी है हमारी, 4 घंटा ड्यूटी है या 9 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा ड्यूटी है, जब तक आप घंटा देके ड्यूटी करते रहेंगे तब तक आप उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ मेहनत कीजिए, और आप अपने जो जो कमिटमेंट है, जो इस पेशे की कमिटमेंट है, जो मैंने जॉब का कमिटमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके सही रास्ते पे चलिए, आप उसके लिए कभी भी किसी गलत तरीके से किसी गलत रास्ते पे मत जाइए कि शॉर्टकट अपनाने के लिए मैं वहाँ चले जाऊँ ये कर लूँ, ऐसा मत कीजिए, आप लगे रहिए आपको कामयाबी हर मैंने 100% मिलेगी, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल हूँ, मैंने मेरे यहाँ पे दिल्ली में कोई मुझे जानता नहीं था, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे, मुझे मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं था जो जिसकी बदौलत मैं यहाँ पत्रकारिता में आया या पत्रकार बना, अपने दम पे बना, काम करता रहा, और काम के दम पर ही मुझे कंपनी हमेशा प्रमोट करती रही और आज तक यहाँ तक बनाया,
ये इंडिया टुडे ग्रुप की अच्छी बात है कि वो अपने लोगों को प्रमोट करती है, अपने लोगों पे भरोसा करती है और अपने लोगों को उस काबिल बनाती है कि वो एक जिम्मेदारी संभाल सके। ये हमारे ग्रुप में बहुत लोगों को ये जिम्मेदारी इस तरह से देके सबको, आप अभी हमसे पहले सौरभ बोल के गए, सौरभ को भी इसी तरह जिम्मेदारी दी गई है, तो ये अच्छा है। लेकिन ये सारे ये है कि आप यदि अच्छा काम कर, लोग यहाँ डरते हैं कि मेरा तो कोई पत्रकार जानने वाला नहीं है, मेरे तो कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं मीडिया में कैसे जाऊँगा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मैं यहाँ जब आया था तो मैं भी किसी को नहीं जानता था, और लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पे ये अपनी मेहनत के बल पे अपने दम पे आया यहाँ पे। तो आप यदि मेहनत करते रहेंगे, लोग रहेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। मैं अपने यहाँ देखता हूँ कुछ प्रोड्यूसर्स इतने अच्छे हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं कि उनको कोई रोक नहीं सकता, वो आगे जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले कोई। तो इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि ये सब ये बाकी दुनिया के तुलना में ये सिस्टम हमारा ऐसा है कि आपको इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती है कि आप जो है ये कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ कि आपको रिलेटिव होना चाहिए, आपके जानने वाले होने चाहिए। आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद सुप्रिया जी। उम्मीद है कि युवा पत्रकार और आगे बढ़ने के पत्रकार आपकी इस सलाह पर जरूर अमल करेंगे। आपने हमें बहुत समय दिया, इतना समय दिया, धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद सुप्रिया जी। थैंक यू।